बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवेंथ इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसकी ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। वैलेंट विक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने आप को मनवाता है, ठीक है। लोगों का बहुत ज़्यादा तंज होता है उस पर, ठीक है, सब उसे बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उसे टीज करते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार वो अपने आप को मनवा लेता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इसी यूनिट के यूनिट नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉपी का पेज रेडी करना है, ठीक है, डे डे वगैरह मेंशन करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ बच्चों माइंड में रखें, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, ठीक है, जब आपकी क्लासेस हो रही थी और कुछ सिलेबस हमने कर लिया था, लेकिन अभी आपको दोबारा से स्टार्टिंग से सारा करवाया जा रहा है, तो जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, वो जस्ट इसको टैली करेंगे, ठीक है, और प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जिन्होंने राइट नहीं किया हुआ वो इसको अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। फर्स्ट वर्ड है मेरे पास स्किनी, SKINNY, स्किनी मीनिंग लिखे दुबला पतला। टीज्ड, TEASED, टीज्ड तंग करना। अपसेट परेशान। बज्ड, BUZZED, बज्ड भिनभिनाना। बोस्टिंग शेखी बिगाड़ना। इरिटेटिंग सताना। कन्विंस्ड इत्मीनान। रग RUGE, रग बदमाश। डिसअपियर गायब होना। ट्रैम्पलिंग तबाह करना। टाइट सख्ती से। डिक्लाइन इनकार करना। अनकॉन्शियस बेहोश होना। नॉक्ड आउट गिरा देना। स्मैक टकराया, ठीक है बच्चों। ये आपकी 15 वर्ड्स मीनिंग थी। उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे क्वेश्चन आंसर्स की। एक्सरसाइज बी है आपकी, यूज फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द टेक्स्ट टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रिलियंट। सेंटेंस लिखें, ही मेड अ वैलियंट एफर्ट टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विक्टर। सेंटेंस लिखें, आफ्टर द गेम कॉमा द विक्टर्स गॉट द ट्रॉफी, TROPHY, ट्रॉफी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है कन्विंस्ड, ही कन्विंस्ड दैट ही इज डूइंग द राइट थिंग्स। नेक्स्ट है प्लेग, द पीपल वर प्लेग्ड बाय द सेवेज एलिफेंट। नेक्स्ट वर्ड है रग। सेंटेंस लिखे, द रग एलिफेंट trampled the livestock. Next word is snap. Snap. Sentence likhiye, the branch stopped under the weight of. Snap ka sentence likhenge, the branch snapped under the weight of the elephant. नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट, व्हेन ही वांटेड टू स्पीक हिज कॉन्फिडेंस सडनली डिजर्टेड हिम। अच्छा बच्चों, इस वर्ड की दो प्रोनाउंसिएशन है, एक हमारे पास है डेजर्ट और दूसरी है डिजर्ट, ठीक है। डेजर्ट हम सहरा को कहते हैं और डिजर्ट जो होता है वो अचानक हिम्मत हार जाना, ठीक है, मायूस हो जाना। तो यहाँ पे ये डिजर्ट है, ठीक है। When he wanted to speak, his confidence suddenly deserted him.
नेक्स्ट वर्ड है वेंचर. द मैन वेंचर्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस लिखें हेल, एच ए आई एल, हेल. He has been hailed as a great hero. Next phrase is make off with. Sentence likhe, the thief made off with computer. Next is lunch. अच्छा बच्चों यहाँ पे मेरे पास बुक पे मिस्टेक है, ठीक है. ये लंच वर्ड नहीं है, ये लाउंज है, ठीक है. एल ए यू एन सी एच, लाउंज. आपकी बुक पे भी अगर ये मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है. और कॉपी पे ठीक लिखना है लाउंज, ठीक है. लाउंज मतलब होता है सेंड करना या थ्रो करना, ठीक है. सेंटेंस लिखें साइंटिस्ट लॉन्च्ड द रॉकेट इनटू द स्पेस. नेक्स्ट वर्ड इज स्मैक. The tiger smacked with a branch of tree. Next word is luxury. He was brought up in luxury. Next is fear and scare. Sentence second, he killed the flies. Fear and scare. लास्ट वर्ड है हमारे पास ब्रिगेंड. सेंटेंस लिखिए द ब्रिगेंड्स लिव इन अ फॉरेस्ट इन द कंट्री साइड. ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पास कुछ वर्ड्स मीनिंग थी, ठीक है. इनमें कुछ फ्रेजेस भी हैं, कुछ आपके पास वर्ड्स हैं. नेक्स्ट अब आप ऐसे करेंगे कि अपनी बुक पे ही, ठीक है, मैं आपको वर्ड सिनोनिम्स राइट करवाती हूँ. जो अभी हमने जिनके सेंटेंसेस बनाए हैं इनके सिनोनिम्स भी आपने राइट डाउन करने हैं, ठीक है. तो आप उसको बुक पे ही कर लें, ठीक है. एक्सरसाइज बी है, फर्स्ट वर्ड हमारे पास वैलियंट. वैलियंट मीन वेरी ब्रेव. विक्टर विनर. कन्विंस्ड कंप्लीटली श्योर. प्लेग ट्रबल्ड. रग डेंजरस. Snap, to break with a sharp noise. Desert, abandon, venture, risk, hail, describe as, make off with, to steal and hurry away, launch, send or throw, smack, to hit, luxury, great comfort, fear and scare, exactly on target, regained, bandit or thief, T-H-I-E-F, thief, ठीक है. ये थे हमारे पास इसके वर्ड सिनोनिम्स, ठीक है, जो आपने राइट डाउन किए हैं. अब इसके बाद जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है बच्चों वो आपने खुद करनी है, ठीक है. उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, हमारे पास एक्सरसाइज सी दी हुई है, इसमें प्रपोजिशन पुट करनी है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. एडजेक्टिव्स एक टॉपिक दिए हुए, इस पे एक्सरसाइज एफ आपने नहीं करनी, ठीक है. उसके बाद एक्सरसाइज जी है वो सिंगुलर प्लूरल्स हैं, तो ये भी आप लोगों ने करने हैं, ठीक है. अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ अभी हम करते हैं, ठीक है. कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. नेक्स्ट पेज पे डेट एंड डे मेंशन करनी है, ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देनी है. एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन इज राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वैलियंट विक्टर. राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वैलियंट विक्टर. सेंटेंस लिखिए बच्चों, इसका आंसर लिखिए. फर्स्ट सेंटेंस से हमारे पास है Valiant Victor was a poor Indian man. Valiant Victor was a poor Indian man who was very short and skinny.
full stop. He would say that he was brave as a tiger. Full stop. People laughed at him and gave him a nickname. Inverted commas mein likhiye valiant victor. Inverted commas close, put a full stop. I am going to repeat the answer. Isko tally karna hai aapne, theek hai? Valiant victor was a poor Indian man who was very short and skinny. He would say that he was brave as a tiger. People laughed at him and gave him a nickname, Valiant Victor. Question number 2 is, what would make everyone laugh at him? Answer likhe. Valiant Victor was small in size and skinny, but he always boasted about his courage. Full stop. He apparently stupid claim about his bravery made everyone laugh at him. Answer ko repeat kar rahi hu, aap log ne tally karna hai. Valiant Victor was small in size and skinny, but he always boasted about his courage. His apparently stupid claim about his bravery made everyone laugh at him. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट मेड वैलियंट विक्टर फील श्योर दैट ही वाज द ब्रेवेस्ट मैन इन द होल टाउन? आंसर लिखें. वन डे कॉमा वैलियंट विक्टर किल्ड अ फ्यू फ्लाइज व्हिच वर इरिटेटिंग हिम. फुल स्टॉप. ही प्राउडली टोल्ड अदर्स that now he had dealt with annoying creatures. One day Valiant Victor killed a few flies which were irritating him. He proudly told others that now he had dealt, D-E-A-L-T, dealt, deal ki third form, theek hai, with annoying creatures. यहाँ तक काफी है बच्चों, 3 क्वेश्चन आज हमने किए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. जो भी काम किया आज आपने, ठीक है, उसको थॉरली आपने रीड आउट करना है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी है. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.